वेलकम बैक टू माय कुकिंग चैनल। तो फ्रेंड्स, आज का नाश्ता आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्दी नाश्ता है। तो आज का नाश्ता हम एक कटोरी पोहे और आधी कटोरी सूजी से बना करके तैयार करेंगे। तो चलिए इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। तो यह हमने एक मिक्सी ग्राइंड लिया है। मिक्सी ग्राइंड में एक कटोरी पोहा डाल देंगे। आपके पास जो भी पोहा हो, कोई सा भी, आप वो पोहा ले लीजिए। तो यह हमने आधी कटोरी सूजी ऐड कर दी है। अब सूजी और पोहा को हम मिक्सी ग्राइंड में पीस लेंगे। तो ये देखिए, हमने सूजी और पोहे को मिक्सी ग्राइंड में पीस लिया है। तो इसका दरदरा सा पाउडर बना लिया है। तो अब हम इसको एक बड़े से बाउल में निकालेंगे। अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका घोल बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी करके ही डालेंगे। इसका बैटर हमें थोड़ा ज़्यादा ना गाढ़ा हो ना ही पतला, इस तरह का हमें इसका बैटर बना करके तैयार करना है। तो इस तरह से हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसको अच्छे से मिलाते रहेंगे। तो आप इस तरह से एक छोटा चम्मच से भी इसको मिला सकते हैं, तो इससे भी बहुत ही अच्छे से मिल जाता है। तो यहाँ मैंने इसको एक बड़े से दूसरे बाउल में डाल लिया है, क्योंकि छोटा बाउल था तो उसमें अच्छा सा ये घोल बन नहीं रहा था। तो ये देखिए, हमारा घोल अच्छे से बन चुका है। देखिए इस तरह का हमें बैटर को रखना है। तो यहाँ हम स्वाद के अनुसार इसमें नमक ऐड कर देंगे और साथ में ऐड कर देंगे धनिया के पत्ते। एक बार इन सब चीज़ों को भी अच्छे से मिला लेंगे, नमक और धनिया को। अब हम इसमें ऐड करेंगे खाने का सोडा। हमने मीठा सोडा ऐड कर दिया है आधा चम्मच। आप इसमें इनो भी ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास इनो है तो। अब एक बार हम इसको फिर से अच्छे से मिला लेंगे। अब यहाँ हम एक पैन लेंगे, इसमें डाल देंगे तेल। अगर आप चटोवे में बैटर डालें ना, उससे पहले एक बार फिर से घोल को अच्छे से घोल लें, क्योंकि सूजी है तो सूजी नीचे बैठ जाती है। तो हमने एक चम्मच भर करके इसमें बैटर को डाल दिया है। इसमें थोड़ा सा और डाल दिया है। तो बैटर को फैलाने की कोई ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप ही अपना शेप ले लेता है। तो हम इसको एक डेढ़ मिनट के लिए ढक करके पका लेंगे। इस नाश्ते को हमें बिल्कुल धीमी आंच पर ही पकाना है। तो ये देखिए, अब हम इसको पलट देंगे। हमने एक डेढ़ मिनट के लिए ढक करके पका लिया था, तो एक साइड से अच्छे से सिक गया है। तो अब हम इसको पलट दिया है। तो ये देखिए, हमारा ये नाश्ता बन करके तैयार हो गया था। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अच्छे से नाश्ता बन करके तैयार हुआ है। तो इसी तरह से हम दूसरे नाश्ते को भी बना लेंगे। तो हमने फिर से तवे में तेल लगा लिया और एक चम्मच भर करके हमने इसमें बैटर को डाल दिया। तो अब आप देख सकते हैं, इसमें जब हमने एक चम्मच भर करके बैटर डाला था तो उसने अपने आप ये देखिए एक शेप ले लिया है। तो अब हम इसको एक डेढ़ मिनट के लिए ढक करके पका लिया था। पकाने के बाद में हम इसको पलट देंगे। हमें इसको एक साइड से ही ढक करके पकाना है, दूसरी साइड से इसको हम एक डेढ़ मिनट के लिए ऐसे ही खुले में पकाए थे। तो देखिए, अच्छे से ये सिक करके तैयार हो चुका है। तो ये देखिए, हमारा नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं पोहे से कितना अच्छा और कितना टेस्टी नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। जब भी अगर आपका रोटी बनाने का मन ना हो तो आप इस नाश्ते को बना सकते हैं।